ज्यादा बिजली जलाओ ज्यादा रिलीफ पाओ। महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ का अनोखा अंदाज। इजाफी बिजली 26 रुपए 7 पैसे के फ्लैट रेट पर मिलेगी। इत्तलाक रवां साल दिसंबर से फरवरी 2025 के लिए होगा। सिर्फ घरेलू ही नहीं कमर्शियल और सनअती सार्फिन भी फायदा उठा सकेंगे। वजीर आजम ने तयशुदा फार्मूले का ऐलान कर दिया। बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है, जिसके तहत बिजली की कीमतों में खातर खा कमी की जा रही है। पंजाब में बाजार रात 8 बजे बंद कर दिए जाएं, इतवार को मार्केटें बंद रखी जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक रोकथाम केस का बड़ा हुक्म, कहा रात 11 बजे के बाद मोटरवेज रिंग रोड पर गाड़ियों का दाखिला ममनुआ करार दिया जाए। ट्रक और ट्रेलर के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। हफ्ते और इतवार की छुट्टी के बाद इस फैसले पर पीर से अमल करवाया जाएगा। पंजाब के 18 अजला में पार्क्स, तफरी गाहें, अजायब घर 10 रोज के लिए बंद। 24 घंटे में 1580 मरीज रिपोर्ट। सूबे में मास्क की कीमतों में इजाफा, 50% मुलाजमीन घर से काम करेंगे। मस्नूई बारिश 11 और 12 नवंबर को बरसाए जाने का इम्कान। अब्दुल हकीम इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। उकाड़ा में रेलवे लाइन अबूर करते हुए 2 तलबा ट्रेन की जद में आकर जाम हक। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, आईनी बेंच के लिए किसी जज के नामजदगी ना हो सके। सन हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर। हाई कोर्ट के जजेस 24 नवंबर तक बतौर आईनी जज काम करेंगे। ऐलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन मामले का 25 नवंबर को दोबारा जायजा लेगा। जुडिशल काउंसिल का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर मुशावरत बढ़ाने पर इत्तफाक। काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ मुजाहिका खेज, शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं दुबई में खेलेंगे। भारत की फिर रिवायती हठधर्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि हैबिट मॉडल पर बात हुई ना होगी। भारतीय बोर्ड तहरीरी तौर पर आगाह करे तो हुकूमत से रुजू करेंगे। इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। काबिले कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम और पीटीआई के बैकडोर रबते। जेयूआई के कामरान मुर्तजा बानी से जेल में मुलाकात करेंगे। अदालत से इजाजत के बाद जेयूआई रहनुमा डियाला जेल जाएंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर होगा। मौलाना पीटीआई की मौजूदा क्यादत से नाराज हैं। इंतशार जो है वो अपनी रविश कायम रखे हुए हैं। पहले बयानिया बनाया गया गुलामी ना मंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। अब शादियाने बजाए जा रहे तो ये डिसाइड कर लें कि आप गुलाम हैं कि आप गुलाम नहीं हैं। तहरीक इंतशार एनआरओ के लिए मुल्की अमन अमान दाव पर लगा रही है। पहले गुलामी ना मंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। पहले तय कर लें आप गुलाम हैं या नहीं। अता तारड़ की तनकीद, कहा सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की रिहाई की मुहिम का मकसद भी यही है। जैसे पार्लियामेंट नुमाइशी चीज बन गई है, जो कानून आते हैं बगैर बहस मुबाइसे के, बगैर डिस्कशन के, रबर स्टैंप हो गई है, तो मेरा उन्हीं ख्याल है कि इस पार्लियामेंट में रहने का भी कोई फायदा है। हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं और दहशत गर्दी के मुलजिम भी। उमर अयूब ने तमाम केसेस को सियासी करार दे दिया। शिबली फराज बोले पार्लियामेंट नुमाइशी और रबर स्टैंप है। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत के नजदीक हर सियासी आदमी दहशत गर्द है। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। एटीसी लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। जेएचक्यू हमला केस में फर्दे जुर्म आयद ना हो सके। तोशाखाना 2 में बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा।
मिसिंग पर्संस और आज़ादी का ढोंग रचाकर गुमराह किया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा बनने के लिए बहकाया गया। हथियार डालने वाले कलदम बीएलए के दहशतगर्द तलत अजीज की पुलिस हुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोच काउंसिल में तलबा की जहन साजी की जाती है, लोग शरपसंदों के बहकावे में ना आएं। DIG CTD बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ सब मिलकर काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर अब्दुलरहमान खेतरान ने बोला, रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। सरजीत रैली में महारत और जोश का इम्तिहान। 3 किलोमीटर ट्रैक को नादिर मक्सी ने 1:34 में वो किया। क्वालिफाइंग राउंड में 86 रेसर शरीक थे। आसिफ नामी ड्राइवर की गाड़ी उलट गई।